आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंगलवार को अपने परिवार के साथ अयोध्या राम लला के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्ट पर पोस्ट कर लिखा कि परिवार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम से समस्त देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने राम लला के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भगवान राम से समस्त देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भगवान राम से भारत माता और 144 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। भारत देश आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम की बुनियाद पर आगे बढ़े और देश विकास की ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना की। आज परिवार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम परिवार श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम से समस्त देशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। संजय सिंह ने आगे कहा, प्रभु श्री राम का पूरा जीवन ये बताता है कि शबरी के जूठे बेर खाने वाले और वानर सेना के साथ लंका जाकर रावण का अहंकार तोड़ने वाले भगवान राम के आदर्शों पर अगर हम एक कदम भी चल सके तो हमारा जीवन सफल होगा। भगवान श्री राम से यही कामना करता हूँ कि भारत माता हमेशा खुशहाल रहे, इस देश के लोग हमेशा खुश रहे। गौरतलब है कि आप संसद में इससे पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने भाजपा को हिंसक विचारधारा वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसक विचारधारा को आगे बढ़ने का काम किया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जब से अयोध्या की सीट हारी तब से भगवान श्री राम की जय बोलना बंद कर दिया।